अनुपमा में मचने वाला है बवाल और फाइनली अनुज के प्यार का सच अनुपमा के सामने आएगा। दरअसल आने वाले एपिसोड में वनराज के हाथ लग चुकी है रिसिप्ट, जो कि उस लहंगे की है जो किसी और ने नहीं अनुज ने भिजवाया है देविका के हाथ। और देविका का ये पैतरा अब उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि वनराज के हाथ जैसे रिसिप्ट लगती है वो इस बात को लेकर बवाल मचा देता है और कहता है कि ये जो लहंगा है ना तुम्हारी फ्रेंड देविका ने नहीं दिया, इतना तो झूठ मत बोलो, ये तुम्हारे फेवरेट दोस्त पार्टनर अनुज कपाड़िया ने भेजा है। और ये सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि देविका ने उसे झूठ बोला। इस बात पर देविका और अनुपमा के बीच में काफी झगड़ा होता है और वो कहती है कि तुम्हें पता है ना पहले से कितना कुछ चल रहा है और उसके बाद में इतना बड़ा मजाक तुम मेरे साथ कैसे कर सकती हो। तो भाई देविका को भी उल्टा सीधा सुनने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अब वनराज की ये चाल उल्टी तब पड़ जाएगी जहाँ पर यहाँ काका और देविका दोनों ही अनुज के साथ खड़े नजर आएंगे और अनुपमा के सामने वो सच लेकर आएंगे जो कि उसके आंखों के सामने से सारा अंधेरा हटा देगा। दरअसल यहाँ पर अनुपमा बहुत बुरी तरह से भड़क जाती है कि इससे उसकी और परिवार को कितनी बुरी तरह से परेशान होना पड़ा है। और इस बात पर देविका उस पर गुस्सा होती है और उसकी बोलती बंद कर देती है अनुपमा को कि तू सच क्यों नहीं देखना चाहती है, जो 26 साल से तेरे पीछे तुझे दिखता नहीं है कि उसने शादी क्यों नहीं की, क्या तुझे ये नहीं नजर आता कि वो तेरी इतनी केयर करता है, क्या तुझे ये सब कुछ सिर्फ एक दोस्ती लगती है। और इस बात पर देविका और भड़कने वाली है और बताएगी उसे आईना कि अनुज उससे प्यार करता है। अनुज उसे काफी रोकने की कोशिश करेगा देविका को भी, लेकिन देविका कहती है अनुज बस बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इसको आईना दिखाना ही पड़ेगा, ये मेरी दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे कुछ भी उल्टा सीधा सुनाएगी, अगर इसको तुमने तोहफा दे भी दिया तो क्या हो गया, एक दोस्त को तोहफा भी नहीं दे सकता। और वनराज की ये तो क्या, ये खुद जो गुरुचर्रे उड़ा चुका है। और देविका उसकी भी इंसल्ट कर देती है, वनराज को तुम बोलने लायक हो नहीं, अनु को तुमने कौन सी ऐसी खुशी दे दी है जो इसके बदले तुम ये सब कुछ कर रहे हो। अनुपमा तलाक के बाद में हरहरी इसका बदला लेना चाहते हो या फिर तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम अनुज को उसके सामने गिराना चाहते हो, मैं तुम्हारी मुझे पता ही ना कि तुम ऐसी हरकत जरूर करोगे। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन देविका इस बार चुप नहीं रहने वाली और फाइनली जो 26 साल से बेचारा अनुज इंतजार कर रहा है उसका आईना अनुपमा को दिखाते नजर आएगी और यहीं से बॉन्डिंग पूरी तरह से बदल जाने वाली है। जी हां दोस्तों, पूरी केमिस्ट्री शो की बदल जाएगी जब अनुपमा के सामने 26 साल पुराना प्यार यानी बचपन के प्यार खुलासा होगा और अनुज बुरी तरह से रोते हुए भी नजर आएगा कि उसकी वजह से अनुपमा को इतना कुछ सुनना पड़ा। लेकिन देविका उन दोनों की ही बैंड बजा देगी और फाइनली उनको एहसास करवाएगी कि अब तक तो वो चुप थे लेकिन अब उन्हें अपने प्यार के लिए आवाज उठानी चाहिए और इन दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। देखना है कि देविका का गुस्सा किस तरह से इन दोनों को साथ लेकर आता है।